हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिदा शेख और मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ। और आजकल चल रहे हैं हमारे रमज़ान, बहुत ही बाबरकत महीना है। और आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का कल का पहला रोज़ा कैसा गुजरा। और आज है सेकेंड इफ्तार है और मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं इफ्तारी में बनाने वाली हूँ आलू छोले और साथ में रोटी होगी और आई थिंक थोड़े से पकौड़े बना लूँ शायद मैं। और उसके अलावा साथ में शरबत है, फ्रूट चाट है। जो चीज़ें जो मस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़े से पकौड़े, थोड़ी सी फ्रूट चाट, थोड़ा सा शरबत। इसके साथ में मैं एक प्रॉपर जो खाना होता है, जो डिनर होता है, वो मैं रेडी करती हूँ ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा सेट हो जाए जब हम रोज़ा खोलते हैं। जो मेरे सफ़ेद छोले हैं वो रेडी हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं, मैं उनको देखने लगी हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी से सालन की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मेरे सफेद चने जो वो हो चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बॉयल हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साथ में पोटैटोस। मैं टोमेटो, ऑनियन, गार्लिक एंड जिंजर को पीस के मैंने रख दिया है और अब पोटैटो मैं उसको छील के जल्दी से और मैं उसको उसके साथ ही जो चने हैं उसके साथ ही मैं उसमें डाल दूँगी ताकि वो भी जल्दी से बॉयल हो जाए। मैं पोटैटोज को छील रही हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 या 3 बस, क्योंकि इतने ज़्यादा पोटैटोज नहीं खाए जाते इसमें सालन में और अच्छे भी नहीं लगते हैं। कटिंग का स्टाइल आप लोग देख लीजिए, ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काटने हैं क्योंकि उसकी शेप अच्छी नहीं लगेगी अगर हम बहुत बड़े बड़े डाल देंगे और गलेंगे भी जल्दी नहीं। तो मैं बस इसके इस तरह इसको 2 कर रही हूँ और फिर इसके बाद इसके 3 पार्ट्स को मैं इसमें डिवाइड करके इसमें ऐड कर रही हूँ। पोटैटोज को मैं ऐड कर चुकी हूँ, बहुत ही दरमियाने साइज के जो है ये पोटैटोज हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए पोटैटोज। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें पहले भी ऐड किया था, थोड़ा सा नमक पहले भी ऐड कर चुकी हूँ मैं। उसके अलावा मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ कुटी लाल मिर्च, तो मस्ट है, नमक और मिर्च तो मस्ट होती है, वो 4 स्पून मैंने इसमें कुटी मिर्च डाली है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, इसमें मैंने हल्दी ऐड की है और ज़ीरा हमारा एंड हो चुका है और मैं इसमें पिसा धनिया डाल रही हूँ। और मैंने ज़ीरा लेने के लिए अपने हस्बैंड को बाहर नहीं भेजा, उसकी वजह ये है कि बाहर मैं छोटी छोटी चीज़ के लिए कि ज़ीरा ख़त्म हो गया, इन चीज़ों के लिए मैं बाहर नहीं भेज सकती। हमारे मसाला जात जो मैं इसमें डाल चुकी हूँ और साथ में मैं इसके अब ऐड करने वाली हूँ प्याज और गार्लिक जिंजर जो मैंने इसी में पेस्ट बना के सब कुछ उसमें
मिक्स कर दिया था जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये साथ उसके अनियन के और चनों के साथ ही, चने बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बॉयल, मतलब आप उसको बॉयल ही समझे, ऑलमोस्ट भी नहीं समझे, तो बॉयल हो चुके हैं। अब ये सब चीज़ें एक साथ जो है वो तैयार हो जाएंगी। टोमेटो की उसको मैंने पेस्ट बना के उसको रखा हुआ है और साथ में मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सालन इसके बगैर नहीं बन सकता। ओके, और अब मैं इसको ढक रही हूँ ताकि इसमें पोटैटो और सारे मसाले जो हैं वो एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाएं और बहुत ही यम्मी सा हमें टेस्ट दें। और मैंने टोमेटो पीस के रखा था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो पेस्ट। मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, दो बड़ी ग्रीन चिली, थोड़े से टमाटर हो जाएं, फिर उसके बाद अभी बस आधा घंटा रह गया है रोज़ा खुलने में। क्या टाइम हो रहा है? टाइम देख के आती हूँ। पूरा पूरा आधा घंटा रह गया है रोज़ा खुलने में और मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बना के जस्ट मुझे आज वहाँ पे जाना है, मेरा पकौड़े बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। क्योंकि कल क्या हुआ था, कल मेरे पकौड़े बनते रह गए थे। आप लोगों ने मेरा अगर ब्लॉग नहीं देखा कल वाला, तो कल वाला ब्लॉग मेरा देखिए, उसमें मेरे पकौड़े अजान हो गए उसके बाद भी बन रहे थे, इतना ज़रूरी था पकौड़े खाना। मैं पानी पी के जाऊँ क्या? मुझे प्यास लगती है। और मुझे भूख लगी थी, अगर भूख नहीं लगेगी तो क्या लगती थी? भूख क्यों लग रही है रोजे में? रोजे में भूख लगती है क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं खाली आपको बता रही हूँ कि अगर प्यास नहीं लगेगी तो मुझे भूख लगेगी। चलो मैं सालों से मुझे सालों से पढ़ाई रख दें।
कटिंग कर लो प्लीज़। कर लिया है, तुम आगे निकलो बाहर से, बस बाकी ब्रेड्स का है फ्रिज में। अभी तो चौथी है, एक तो ना आप उस पे कढ़ाई रख लेना, बस होने वाला है। Thank you.
मैं रोज़ा खोलूँगी, मैं रोज़ा ज़रूर खोलूँगी, मैं रोज़ा ज़रूर से खोलूँगी। और ये है वो टाइम जब हम इफ्तारी कर लेते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, पहले पिछले साल क्या हो रहा था, अभी वायरस की वजह से क्या सिचुएशन हो गई है कि जी तो पाकिस्तान मेरा फेवरेट प्रोग्राम है, मेरा और बच्चों का, हम सबका फैमिली फेवरेट प्रोग्राम है जी तो पाकिस्तान। और रमज़ान में स्पेशली रोज़ा खोलने के बाद जो मुझे सबसे अच्छा जो लगता था टाइम, वो जी तो पाकिस्तान देखने का लगता था। लेकिन अभी वायरस की वजह से हुआ क्या है कि हमारा जी तो पाकिस्तान थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसलिए अब वो देखा नहीं जा रहा। तो हम लोग लाइट्स ऑफ करके सुकून से लेट जाते हैं, वरना 10 बजे तक आप ना बैठे रहते थे जी तो पाकिस्तान। उससे वैसे टाइम बहुत वेस्ट होता है ना, तरावी में लेट हो जाते हैं, नमाज में लेट हो जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद था वो प्रोग्राम, मैं देखती ज़रूर थी वो, अपनी कोशिश करती थी मैं देखने की। लेकिन अभी वायरस की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया है। एक दो बार तो नहीं, आज तो दूसरा रोज़ा था तो देखा कल हमने, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब बिल्कुल का मतलब देख सकते हैं लेकिन सिर्फ बड़े देख सकते हैं, वो इस टाइप का हो गया कि बड़े देख, क्योंकि मनाने में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो रहा था उसके अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, हम रोज़े के बाद रिलैक्स कर रहे हैं। और अभी मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 10 बजे का और ये टाइम थोड़ा सा रिलैक्स होने का है, जो अब सारे कामों से फारिग हो जाते हैं। हालांकि हमने अभी डिनर नहीं किया है, आज मैंने रोटियां बना ली, कल क्या हुआ था, कल रोटी जो है वो एक कम रह गई थी, फिर रोज़ा खोलने के बाद रोटी को बनाया था रोज़ा खोलने के बाद, क्योंकि भूख लग गई, फिर एक एक्स्ट्रा और बनानी पड़ी थी मुझे। लेकिन आज मैंने रोटी बना के रखी थी रोज़े के टाइम, इफ्तारी के टाइम मैंने रोटी बना के रखी है, लेकिन उस टाइम किसी का दिल नहीं किया, क्योंकि जब हम फ्रूट चाट खा लेते हैं, 2-3 गिलास शरबत के पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, खजूर और फ्रूट चाट, उसके साथ में पकौड़े हो जाते हैं ना, तो पकौड़े आज मेरे हस्बैंड ने आज पकौड़े उन्होंने बनाए थे, तो जब पकौड़े साथ में ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो आपने खाया थोड़ा सा होता है, यानी थोड़ी सी फ्रूट चाट और शरबत वरबत, लेकिन आप हो जाते हो फुल। क्योंकि जब आप 12-13-14 घंटे का, कितने घंटे रुक जाए मैं अभी हिसाब लगा के बताती हूँ, कितने घंटे का रोज़ा बंद हुआ था 5 बजे, तकरीबन 5 बजे बंद हुआ है, 5 से 5, 12, 13, 14 घंटे का तकरीबन रोज़ा। और जब आप 14 आवर्स के बाद जब आप एकदम से खा लेते हो तो आपका पेट भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है, पूरा आपका पेट फुल हो जाता है, आपका स्टमक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि आप इतनी जल्दी ईटिंग करो। लेकिन उस टाइम आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं आप वो चीज़ें खा लेते हैं, और वो चीज़ें क्या होती हैं, फ्रूट चाट आपको अच्छी लग रही होती है, ठंडा शरबत अच्छा लग रहा होता है। आजकल ठंडा भी नहीं पी रहे इतना ज़्यादा, क्योंकि वायरस की वजह से कह रहे हैं कि ठंडा बिल्कुल नहीं खाइए, गर्म खाएं पिए। और मनाहिल अपना काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हुई हैं अपने किसी काम में, तो मैंने सोचा मैं बात कर लूँ। तो मैं यही बात करती हूँ कि 14 आवर्स के बाद जब आप लोग ईटिंग करते हो, पकौड़े खाते हो, और पकौड़े में ऑब्वियसली पोटैटो तो होता ही है, ऑयल और पोटैटो मस्ट है, और ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको मोटा करती हैं, एसिडिटी करती हैं। तो आप जब 14 आवर्स के बाद ये चीज़ें खाते हो, खजूर भी आपने खाया होता है, फ्रूट चाट भी आपने खाया होता है, लेकिन
तो आपका स्टमक जो वो जवाब देता है कि अब आप कुछ नहीं खा सकते। कल क्या हुआ था, कल पता नहीं क्या हुआ था, कल हम लोगों ने खाना भी खा लिया था साथ में, लेकिन कल हाँ मुझे याद आया कल मेरे पकौड़े नहीं बने थे, कल मेरे पकौड़े टाइम पर नहीं बने थे। तो क्या हुआ था कि हम खाना रोटी खाने लग गए थे, और आज क्या हुआ है कि आज पकौड़े बने हुए थे और रोटी रोटी भी बनी हुई थी, सालन भी बना हुआ था, लेकिन आज पकौड़े खाए गए, ये हुआ है। हमने अभी तक डिनर नहीं किया और अब हमें डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम डिनर नहीं करेंगे ना तो फिर सैरी में नहीं खाया जाएगा। और मेरा सालन जो है वो थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था उसको, तो वो जल्दी जल्दी में उसकी भी एक वजह हुई है कि जल्दी जल्दी में जब मैंने सालन को बनाया उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था, मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि खाया जाए, और उसका भी भूनना बाकी है, उसको भूनना था मैंने, तो आलू वगैरह सब कुछ गल गए थे, सारे मसाले वसाले सब कुछ मैंने डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए थे, तो टमाटर अभी ड्राई नहीं हुए थे, उसको मुझे भूनना था, तो इसलिए जो है वो खाना इस वजह से भी नहीं खाया गया, तो मैंने उसको बाद में उसको भुना है, वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो इस वजह से भी नहीं खाया गया खाना, तो वो मैंने बाद में उसको भुना और फिर उसके बाद उसको रेडी किया मैंने। लेकिन अभी हमने डिनर भी किया, अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सोया जाए या फिर डिनर किया जाए। और मनाही मनाइल को तो मुझे इतनी देर मनाइल आपको कितनी देर मुझे खाना खिलाना पड़ेगा फिर सैरी हो जाएगी। मुझे तो लगता है मैं आपको खाना खिलाने बैठी ना तो मुझे सैरी हो जाएगी, सैरी तक मैं आपको खाना खिलाती रहूँगी। आया जी आप एक काम करो, आप पापा को बोलो मनाइल आप तो एल्सा का कोट पहन लिया है ना, ला मैं बना दूँ इसको। और ये मनाहिल मुझसे क्या करवा रही है, मनाहिल ना वो बन गई है एल्सा, मनाहिल ने एल्सा की जैसा अपना अपर बनाया है, इसका अपर है मैंने बाल, ये स्कार्फ है जो रोजे के टाइम लिया था और अब ये बन चुका है एल्सा का अपर, वाओ। एल्सा का अपर पहन के खेल रही है, बताओ जरा, बहुत बिजी है इस काम में ये इस वक्त। अच्छा बात सुनो मनाहिल, आप एल्सा हैं, वाओ एल्सा हाउ आर यू। अच्छा ये एल्सा बनने का शौक कैसे पैदा हुआ, दिखाओ एल्सा, एल्सा का अपर भी दिखाओ, एल्सा की डॉली भी दिखाओ। बिल्कुल आपने उसके जैसा ही अपर पहना है, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, यहाँ आके बैठो मेरे पास। यहाँ से बैठो यहाँ, वाओ आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, क्यों डाल दिया आपने, आप तो क्वीन हो ना। नहीं जो क्वीन होती है वो पहनती है ये, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी फिर आपने ये क्यों डाल दी, दिल नहीं कर रहा था। रुको पहले तो आपको ये लग रहा है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप अच्छी नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप जाके खुद भी देखाओ मिरर में, मिरर इसीलिए होता है ना कि आप देख के आओ, मिरर इसीलिए होता है कि आप देख के आओ। चलो इसको मैं सेटिंग कर रही थी, इसकी सेटिंग हो चुकी है, चलो अब आप देख के आइए इसके फ्लावर मर जाते हैं तो कितना करना होगा, मेरे पास एक बड़ा मिरर है, एल्सा।
हाँ उड़ रहा है ना, देखो उड़ भी रहा है ना, सब तरह उड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हवा है ना। अच्छा लेकिन आप ड्रेसिंग टेबल का मेरे ना लाइट ऑफ कराइए। देखा लटक भी रहा है ना। अच्छा आप मेरे अंदर की लाइट ऑफ करके आइए, और ये ना अगर कहीं फंस जाएगा ना तो गिर जाओगी, इसलिए जब इधर उधर से जा रही है तो पकड़ के जाओगी। आपका एल्सा से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपका उड़ने वाला कपड़ा है ना, उसका इतना उड़ता नहीं है, है ना, कम उड़ रहा है, आपका ज़्यादा उड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे एल्सा का उड़ता है ना हवा में, लेकिन वो होता है ट्रांसपेरेंट वाइट होता है ना, वो डार्क ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है वो, उसके कपड़े डार्क ब्लू होते हैं। अच्छा तो फिर वो होता है जैसे अभी आपका उड़ रहा है ना, तो जैसे आपका उड़ रहा है वैसे उसका उड़ता है ना, बिल्कुल सेम। देखो जब जा रही होती है ना कैसे कैसे गाना गाती है। एंड कमिंग पापा को और भी क्या और सब्जी दिए क्योंकि आप मेरे रोजा रखा था, मैंने आपको कल बिल्कुल रोजा नहीं रखा। आप ना पानी पी रहे हो ना खाना खा रहे हो, ना आप खाना खाते हो ना पानी पी रहे हो। मैंने कुछ याद नहीं किया। मिस क्वीन भूख लग रही है आपको? कोई नहीं एल्सा, आपको भूख लग रही है? डैड बोला मैं समझी मैं जबीन के डैड ने बनाया। काटते तो और मजा आता, यहाँ से काट देते है ना, दरवाजा होता ना फिर आने जाने के लिए होता। बताऊँ
अच्छा ही बनना था वो, बस मुझे ना घूमने को मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। देखो